नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे एक मिनी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर हम बॉक्स को ओपन करें तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिनी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 280 RPM पे इसकी जो मोटर है वो घूमती है, इतनी इसकी स्पीड है। एंड यहाँ पे 3.7 वोल्ट की इसमें DC मोटर लगी हुई है। एंड यहाँ पे दोस्तों आउटपुट टॉर्क देखिए 0.25 से 0.35 तक आपको आउटपुट टॉर्क मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ है बॉक्स आपको अंदर से देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है बैटर टूल। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये सारी डिफरेंट टाइप्स की और साइज़ की बिट्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए आपको कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, तो इनको रख देते हैं हम साइड में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर सेट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाती है। पूरी की पूरी दोस्तों जो बिल्ड है वो यहाँ पर आपको मेटालिक बॉडी में देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सामने की तरफ इसका पॉइंट मिल जाता है, सॉकेट जहाँ पर आपने बिट जो है वो लगानी है। डिफरेंट साइज़ की यहाँ पर आप बिट लगा सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे देखिए, इसका एक लोगो दे रखा है ब्रांड का। एंड यहाँ पे देखिए, आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे ब्रांड नेम दे रखा है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको LED इंडिकेशन देखने को मिल जाता है कितनी बैटरी चार्ज है, कितना ये स्क्रू ड्राइवर चार्ज है। एंड दोस्तों, बैक साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे इसके दो बटन दे रखे हैं, तो चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये आगे वाला बटन प्रेस करते हो तो देखिए दोस्तों, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हो, पीछे वाला बटन, तो देखिए दोस्तों, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दोस्तों, पीछे वाले बटन से ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड आगे वाले बटन से देखिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको आगे की तरफ देखिए LED लाइट्स भी मिल जाती है, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रू ड्राइवर में 3 LED लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर को रखते हैं थोड़ा साइड में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की काफ़ी सारी बिट्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो छोटी वाली बिट्स हैं वो 17 मिल जाती है। यहाँ पे 17 छोटी वाली बिट्स दे रखी है। एंड यहाँ पे देखिए, आपको 3 जो है वो बड़ी वाली बिट्स पे मिल जाती है। तो यहाँ पे 3 जो बड़ी वाली बिट्स हैं उनमें देखिए, एक माइनस वाली बिट है, एक प्लस वाली बिट है, एंड एक स्टार वाली बिट आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए, एक छोटा सा ये टूल भी मिल जाता है। तो इस दोस्तों टूल को यूज़ करके आप देखिए, जो बिट हैं उनको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस मिनी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करके देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, इन्हें हम ओपन करके देखेंगे। तो मेरे पास कुछ ये पुराने मोबाइल फ़ोन्स भी हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स को ओपन करने के लिए आप इस स्क्रू ड्राइवर सेट को यूज़ कर सकते हो। मोस्टली लोग इस स्क्रू ड्राइवर सेट को यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स की रिपेयरिंग में दोस्तों स्क्रू ड्राइवर सेट काफ़ी यूज़ होता है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो चलिए, कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी हम ओपन करके देखेंगे। तो ये है मेरे पास एक पुराना मोबाइल फ़ोन। तो चलिए दोस्तों, पहले मोबाइल फ़ोन्स ट्राई करते हैं, इनके स्क्रू हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाले जो बिट है ये हमने यूज़ करनी है। तो आपने इसको ऐसे इंसर्ट कर देना है स्क्रू ड्राइवर में, मैग्नेटिक है ये। वाओ, ये देखिए, ये स्क्रू निकल गया। तो देखिए दोस्तों, ये सारे ही जो स्क्रूज़ है अभी हमने इस मोबाइल फ़ोन से निकाल दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे से स्क्रू ड्राइवर काम कर रहा है। तो चलिए, ये वाला अभी मोबाइल भी अभी हम ओपन कर देते हैं, इसके भी सारे स्क्रूज़ निकाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इस फ़ैन के भी काफ़ी सारे स्क्रू हैं, तो चलिए ये भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम ये वाली बिट इसमें लगा देते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सारे स्क्रूज़ थे इस फैन में जो कि हमने निकाल दिए हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। काफ़ी जल्दी सारे स्क्रूज़ निकाल दिए हमने। तो दोस्तों, ये सारे ही स्क्रूज़ अभी हमने निकाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला टूल ट्राई करते हैं अभी।
अभी आपको बताता हूँ कि इस वाले टूल से क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों ये टूल जो है वो मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज करने के लिए है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज। तो दोस्तों ये जो बिट होती है स्क्रू ड्राइवर की, जो बिट्स आपको मिलती है, इनको आप मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटाइज, तो अभी अगर आप इसे देखिए बिट को ऐसे रगड़ोगे, थोड़ी देर तक रगड़ना है, ठीक है। तो अब आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे स्क्रूज जो हैं देखिए इस पर चिपक रहे हैं, ठीक है। देखिए मैग्नेटाइज हो गया ये, देखिए छोटे छोटे काफ़ी सारे स्क्रूज देखिए इसमें चिपक जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर दोस्तों मैं इसे डी मैग्नेटाइज कर दूँ, जो ऊपर वाला है वो डी मैग्नेटाइज करने के लिए, तो अगर मैं इसे यहाँ पे रगड़ता हूँ थोड़ी देर, तो दोस्तों ये डी मैग्नेटाइज होगी होगी बिट। तो देखिए अभी इसमें स्क्रू नहीं चिपक रहे, ये देखिए अभी इसमें कोई भी स्क्रू नहीं चिपक रहा। तो दोस्तों ऐसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो बिट को मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज करने के लिए। तो चलिए दोबारा से इसे मैग्नेटाइज कर लेते हैं, ये देखिए मैग्नेटाइज हो चुकी है ये। तो चलिए दोस्तों ये सारे स्क्रूज दोबारा से इस फैन में अभी हम लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों सारे ही जो स्क्रूज थे हमने इस फैन के टाइट कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये मोबाइल वाले स्क्रूज भी दोबारा लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि कैसे आपने स्क्रू ड्राइवर को चार्ज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने टाइप सी केबल कनेक्ट करनी है, आप अपने मोबाइल की टाइप सी केबल भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल का चार्जर या फिर आप एक पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं अपने मोबाइल का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ LED इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना स्क्रू ड्राइवर चार्ज है एंड ये चार्जिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो अभी ये फुल चार्ज हो रखा है, और जैसे जैसे देखिए LED लाइट्स जो है वो कम होएगी, इसका मतलब इसकी जो बैटरी है वो कम हो रही है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मिनी स्क्रू ड्राइवर सेट मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद आया। दोस्तों डेफिनेटली आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और आपको काफ़ी मतलब स्क्रूज़ वगैरह ओपन करने पड़ते हैं छोटे स्क्रूज़, तो दोस्तों उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। एंड दोस्तों मोबाइल के अलावा भी अगर आपका कोई काम है जिसमें आपको काफ़ी सारे छोटे जो स्क्रूज़ होते हैं, छोटे साइज़ के स्क्रू काफ़ी सारे खोलने होते हैं, टाइट करने होते हैं, तो दोस्तों उस एप्लीकेशन के लिए भी दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों छोटे छोटे स्क्रूज़ को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए, उसके लिए दोस्तों ये जो स्क्रू ड्राइवर सेट है वो काफ़ी यूज़फुल है। मुझे तो दोस्तों काफ़ी पसंद आया, इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस स्क्रू ड्राइवर सेट को परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।